हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भावना सिंह। हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपकी मेंटोर। हमने क्लास 11th का CBSE इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, चैप्टर 2nd कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज हम पढ़ेंगे बजट लाइन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एंड डिफरेंस कर्व की अजम्पशंस क्या होते हैं, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। आज हम बजट लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बजट लाइन से रिलेटेड जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर करेंगे। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसमें हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन पढ़े दो गुड्स के, जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करें, एक कंज्यूमर एक कैसे डिसाइड करेगा कि वो क्या एक्चुअली परचेज करेगा, ये बात तो उसकी इनकम पे ही डिपेंड करेगी ना। ये सब तो क्या किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कंज्यूमर के बजट पे कि उसका क्या इनकम है, और इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि क्या प्राइसेस चल रहे हैं उन दोनों गुड्स के। यानी जो हमने दो गुड्स लिए थे, पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वगैरह देखते टाइम हमने सब IC कर्व्स बनाए थे, तो हमने सेटिस्फैक्शन लेवल तो देख लिया था कि क्या गुड्स हैं, क्या सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअली में क्या परचेज़ करना है ये तो कंज्यूमर की इनकम पे और उन गुड्स के प्राइसेस पे डिपेंड करता है। तो बजट लाइन वही चीज़ डिपिक्ट करती है। बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उन सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, उन सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन का जो हम परचेज कर सकते हैं एक गिवन इनकम के साथ, और उन गुड्स का हमें प्राइसेस पता हो, ताकि जो कॉस्ट होगी हर उस कॉम्बिनेशन की वो हमारी मनी इनकम के इक्वल हो। यानी कि इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ all possible combinations of two goods which can be purchased, जो हम purchase कर सकते हैं किसके साथ, purchased या अगर हमें क्या given हो, purchased with given इनकम। मैंने कहा इनकम पता होनी चाहिए और उनका प्राइसेस पता होना चाहिए उन गुड्स का, एंड प्राइसेस, जिससे कि क्या हो, उन दोनों की जो कॉस्ट हो, उन गुड्स की जो कॉस्ट हो, उन कॉम्बिनेशन की जो कॉस्ट हो, वो हमारी इक्वल रहे मनी इनकम के, सच दैट द कॉस्ट ऑफ Each of these combinations, जो हमने combinations बनाए थे goods के, is equal to the money income of the consumer. Guys, ये मैंने पहली शायद डेफिनेशन लिखी होगी इतने सारे लेक्चर्स में, और मेरे को लग रहा है मैं डेफिनेशन अब लिखूंगी नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा दिया करूंगी। सो, ये बजट लाइन की डेफिनेशन है। सो, मान लो उस चीज़ को हम एग्जांपल से लें कि मान लो एक कंज्यूमर की इनकम है 20 रुपये, उसकी इनकम है और उसको दो गुड्स खरीदने हैं। मान लो उसके उसके गुड्स हैं एक्स और वाई, उसको दो गुड्स खरीदने हैं एक्स और वाई, और हर किसी की कीमत है 10 रुपये ईच, ₹10 ईच। इसकी भी 10 रुपये है, इसका भी प्राइस 10 रुपये है। तो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अगर कंज्यूमर को अपनी पूरी इनकम इन चीज़ों पे स्पेंड करनी ही करनी है, यानी उसको 20 रुपये ये गुड्स में खरीदने ही खरीदने हैं। या तो ये हो सकता है कि वो दो गुड्स एक्स के खरीद ले, 2x के खरीद ले, या दो गुड्स वाई के खरीद ले, या एक एक्स का खरीद ले, एक वाई का खरीद ले, ये हो सकते हैं। तो ये जो तीन हैं, ये जो तीन हमने कॉम्बिनेशन देखे, अगर इन तीन कॉम्बिनेशन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, तो एक हमारे पास इस तरह का डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आएगा। क्या आएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं,
बजट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट लाइन कहते हैं, और इस चीज को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन। इतना समझ आ गया? नाउ अगर हम देखें बजट सेट क्या होता है, व्हाट इज बजट सेट? बजट सेट जो होता है वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होते हैं, ये तो हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखे। अगर वो इनकम अपनी खर्च कर ही रहा है इन दो गुड्स पे, मान लो वो इनकम ना खर्च करे, मान लो कम खर्च करे, तो क्या होगा? यहाँ पे तो वो पूरी की पूरी एंटायर इनकम खर्च कर रहा है। तो बजट सेट वो सारे कॉम्बिनेशंस को इंक्लूड करता है उन दो गुड्स के, जहाँ पे कंज्यूमर जिनको अफोर्ड कर सकता है, जो अगर उसको इनकम दी हुई हो और उन गुड्स का प्राइस दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहीं पे इसी एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर हमारे पास 20 रुपये इनकम है, 10-10 रुपये प्राइस है, तो क्या बजट सेट हो सकता है? ये हो सकता है कि वो कुछ भी ना खरीदे, 0-0। ये हो सकता है कि वो 0 क्वांटिटी एक्स की ले, 1 क्वांटिटी वाई की ले, एक गुड ले ले। हो सकता है कि वो ए की एक्स ले, दूसरा वाई ना ले, 0। हो सकता है कि वो एक्स की कुछ भी ना ले और वाई के दोनों गुड्स ले ले। हो सकता है वाई के कुछ भी ना ले और एक्स के दोनों गुड्स ले ले। और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों के एक एक गुड्स ले ले। दो दो तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी इनकम के बाहर चले जाएंगे पैसे। तो ये जितने भी हैं, 1, 2, 3, ये 6 जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे बजट सेट के अंदर इंक्लूड होंगे। यानी कि ये एक क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन है इन दो गुड्स का, जो कंज्यूमर बाय कर सकता है अपनी गिवन इनकम के साथ। बजट सेट में क्या होता है कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसकी इनकम दिए हुए। और बजट लाइन में क्या होता है? बजट लाइन में वही कॉम्बिनेशंस होते हैं, अगर वो अपनी पूरी एंटायर इनकम स्पेंड कर दे, तो वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस को खरीद सकता है, वो बजट लाइन पे रिप्रेजेंट होंगे। वो कॉम्बिनेशन यहाँ 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 वो बजट लाइन पे रिप्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे 3 ही थे, तो 3 ही होंगे, 4 नहीं होंगे जो मैंने कर दिया। सो बजट सेट मैंने देखा, बताया आपको 6 है। 6 है मतलब बजट सेट में यहाँ पे भी कुछ इंक्लूड हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस पे भी आएंगे ऑब्वियसली, और इससे नीचे भी आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम उतनी है ही नहीं। सो हमने बजट लाइन और बजट सेट दो अलग कंसेप्ट है, मैंने आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसी चीज़ को हम डायग्रामेटिकली देखें, मान लो कि हमारे पास सपोज हम एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। क्या एग्जाम्पल लेके चलते हैं? हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास इनकम है, इनकम इज 20 रुपीज़, जो हमें दो गुड्स पे खरीदनी है, एप्पल्स और बनानास। मान लो हमारे पास दो गुड्स हैं, एप्पल्स एंड बनानास। अगर एप्पल का प्राइस लेके चले हम, एप्पल का प्राइस है ₹4 और बनाना का प्राइस है ₹2 each। यानी 4 रुपये का एक एप्पल आएगा एंड 2 रुपये का एक बनाना आएगा। नाउ अब इसके अंदर हमारे क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसका स्केड्यूल बनाते हैं। स्केड्यूल मतलब टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड बनानास, यहाँ पे हमने एप्पल्स ले लिए, यहाँ पे बनाना ले लिए, यहाँ पे हमने मनी जितना स्पेंड किया है ये ले लिया। अभी हम क्या बना रहे हैं? हम बजट लाइन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हम बजट लाइन बना रहे हैं। सो एप्पल्स हमारे कितने? 4 रुपीज़ के हैं, बनानास 2 रुपीज़ each हैं। मान लो कि हमने सारी की सारी इनकम एप्पल्स बनाने पे खर्च कर दी, तो हम मैक्सिमम कितने एप्पल्स खरीद सकते हैं? 5 ही तो एप्पल खरीद सकते हैं ना, अगर हमने बनाना एक भी नहीं खरीदा तो यानी 5 4 20, 20 हो जाएगा, हमारी इनकम खत्म हो जाएगी। इनकम हमारी 20 रुपीज़ थी। सो 5 × 4 एंड 0 × 2, तो मनी हमने कितना स्पेंड कर दिया? 20 रुपीज़ स्पेंड कर दिया। 5 4 जा 0 × 2, बनाना पे कुछ भी खर्च नहीं किया, 20 रुपीज़ है। अगर यहीं पे हमने 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल खरीदे,
हमने कहा हम चार एप्पल खरीदेंगे, यानी 4 4 जा 16 तो एप्पल हो गए, तो बचे कितने पैसे हमारे पास, 4 रुपये बच गए। 2 रुपये का एक बनाना है, यानी कितने बनानाज आ जाएंगे, 2 बनानाज आ जाएंगे ऑब्वियसली। तो मनी यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे भी 20 स्पेंड होगा, 4 × 4 + 2 × 2 2 × 2 4 × 4। अगर यहीं पे 3 बनानाज, अगर 3 एप्पल्स हमने लिए तो यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे 4 आएंगे। 4 कैसे आएंगे, 4 3 जा 12, और कितनी हमें करनी है, 20 करनी है। और ये हमने प्राइस कितना दिया हुआ है, हमें प्राइस दिया हुआ है ये × 2, तो यहाँ कितना आना चाहिए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यानी 12। अगर हमारे पास 12 रुपीज़ हमने एप्पल खरीदने में लगा दिए, तो बचे कितने हमारे पास, 8 रुपये बच गए। 2 रुपये का अगर एक बनाना है तो ऑब्वियसली 4 बनाना आएंगे। तो ये कैलकुलेशंस आप कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, हमने सिर्फ 2 एप्पल खरीदने हैं, यानी 8 रुपये एप्पल पे खर्च हुए, बचे कितने, 12 रुपये। 12 रुपये बच गए, 2 रुपये का एक एप्पल है, यानी 6। यहाँ पे भी 20 रुपीज़ मनी स्पेंड होगा। सिमिलरली 1, अगर एक एप्पल खरीदा तो 8 बनाना, 0 एप्पल खरीदा अगर हमने तो हमारे पास पूरे 20 रुपये बचे हुए हैं, तो हम 10 बनाना खरीद सकते हैं, 2 रुपये का एक बनाना है तो। यहाँ पे भी 20 20, तो एप्पल्स और बनाना का कॉम्बिनेशन EFGH हम नेम कर देते हैं इसको ING। अब इसी चीज़ को अगर हम एक बजट लाइन पे प्लॉट करें तो वो किस तरह से प्लॉट होगा, ये तो हमारा स्केड्यूल था। एंड इसी चीज़ को अगर हम एक बजट लाइन पे प्लॉट करें तो हमने इस तरह से यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमने अपने एप्पल्स ले ली हैं, यहाँ पे हमने अपने बनानास ले लिए हैं, यूनिट्स लिए हैं, दोनों के यूनिट्स कितनी कितनी हैं। नाउ हम यहाँ पे स्केल ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 का, और 0 तो है ही, तो यहाँ पे कितना, 10 तक है, 2 4 6 8 10, सो 0 पे हमने कितने बनाना, 0 एप्पल लिए तो 10 बनानाज हो गए, एक तो ये हो गया, एक 1 एप्पल हुआ तो 8 बनानाज हो गए, 2 एप्पल हुआ तो 6 हो गए, 3 हुआ तो 4 हो गए, 4 हुआ तो 2 हो गए, एंड 2 हुआ तो 0 हो गए। इसी चीज को अगर हम प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाता है, और ये ही जो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा हमारा, ये ही जो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, इसी को हम कहते हैं बजट लाइन। इसी को क्या कहते हैं, बजट लाइन, या फिर क्या कहते हैं, प्राइस लाइन। तो अगर इस बजट लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, इसके अंदर हमारी एंटायर इनकम खर्च हो रही है, इसका मतलब है हमारी एंटायर इनकम, पूरी इनकम इस चीज़ लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे खर्च हो जाएगी, 20 20 रुपये हमारे पूरे खर्च हो जाएंगे। अगर इससे नीचे, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई और पॉइंट आ रहा है, मतलब हम अपनी पूरी इनकम स्पेंड नहीं कर रहे, हमारी इनकम अंडर स्पेंट है, अंडर स्पेंट मतलब हमने कम खर्च करी है, पूरी नहीं खर्च करी। और अगर इससे बाहर कोई एक कॉम्बिनेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो तो हमारा अनअटेनेबल है, वो चीज़ तो हम अटेन ही नहीं कर सकते, मतलब उतना तो हम पहुँच ही नहीं सकते, हमारी इनकम ही नहीं है उतना खरीदने की, इतने ज़्यादा एप्पल से इतने ज़्यादा बनानास खरीदने की हमारी पहुँच ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारी उतनी इनकम ही नहीं है। तो बजट लाइन वही रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का, जो हम परचेज कर सकते हैं एक गिवन इनकम के साथ और प्राइसेस के साथ, ताकि जो कॉस्ट है हमारी, इन इनकी जो कॉस्ट आ रही है वो इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो विद द मनी स्पेंट, विद द मनी इनकम, जो हमारी इनकम मनी इनकम है उसके बराबर हो। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एल्जेब्रिक एक अगर एल्जेब्रिकली मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस करके बताऊं तो बजट लाइन
को इक्वेशन में कैसे बता सकती हूँ, यानी जो मनी जो हमारी इनकम स्पेंट हुई है, मनी इनकम वो किसके बराबर है, मनी इनकम को एम लिखते हैं हम, वो बराबर होगी प्राइस ऑफ एप्पल्स इनटू क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स प्लस प्राइस ऑफ बनानास इनटू क्वांटिटी ऑफ बनानास। यही तो मैंने किया है यहाँ पर, प्राइस किसका, एप्पल का 4 रुपीस, यहाँ पे 4 रुपीस, और क्वांटिटी क्या है, 5 क्वांटिटी है 4 क्वांटिटी है 3 क्वांटिटी है, और यहाँ पे प्राइस ऑफ बनानास 2 प्राइस है उसका, और क्वांटिटी बनानास की 0 2 4 0 2 4, और ये किसके बराबर आ रहा है, मनी इनकम के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, मनी इनकम के बराबर आ रहा है। सो हमने ये जो यहाँ पे इक्वेशन ली है, तो ये क्या है, ये बजट लाइन की इक्वेशन है। व्हाट इज दिस, दिस इज बजट लाइन इक्वेशन। मैंने आपको प्राइस क्वांटिटी ये बता दिया क्या होता है, और अब बजट सेट की क्या इक्वेशन होगी, बजट सेट की क्या इक्वेशन होगी, सेट के अंदर तो वो सारे कॉम्बिनेशन आएंगे जो इससे मनी इनकम से कम भी हो और इसके बराबर भी हो, यानी जो हमारी एम में इससे कम भी हो, सॉरी ये तो बड़ा हो गया, मतलब ये जो इक्वेशन आएगी वो लार्जर हो गई, लार्जर नहीं, यहाँ पे मनी इनकम हमारी या तो इक्वल हो या मैक्सिमम इतना, मनी इनकम के मैक्सिमम, ये प्राइस इनटू ऑफ एप्पल्स इनटू क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स प्लस प्राइस ऑफ बनानास इनटू क्वांटिटी ऑफ बनानास, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो हमारी मनी इनकम होगी, यानी जो हमारे हमने यहाँ पे इनटू किया, जो कॉम्बिनेशंस आए वो या तो हमारे लेस हैं मनी इनकम से या फिर मनी इनकम के बराबर है, लेस हैं या बराबर हैं, मनी इनकम से ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, अनअटेनेबल हो जाएगा वो। सो ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट सेट। नाउ अगर हम देखें स्लोप क्या होगी बजट लाइन की, हमने देखा यहाँ पे हमने बजट लाइन को बनाया इस तरह से, बजट लाइन आपको ये बजट लाइन है, मान लो यहाँ पे एप्पल्स हैं यहाँ पे बनानास हैं, तो बजट लाइन का स्लोप क्या होगा, कितना यहाँ पे हमने बनानास को सेक्रीफाइस किया और यहाँ पे कितना हमने एप्पल को गेन किया, यही तो स्लोप होता है किसी भी चीज़ का, चेंज ऑफ बनानास डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ एप्पल्स, यही तो होता है किसी भी चीज़ का स्लोप। यहाँ पे एक और एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल के लिए बनानास कितने कम हुए, बनानास कितने सेक्रीफाइस करें, हमने वाई एक्सिस पे जो गुड्स हैं वो कितना सेक्रीफाइस किया एक और यूनिट ऑफ एप्पल के लिए, यहाँ से एप्पल की एक और 1 2 3 अगर 4 5 ये लिया जाए तो यहाँ पे हमने कितना सेक्रीफाइस किया ये एक और यूनिट के लिए, इसी चीज़ को बजट लाइन कहा जाता है। सो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या हो गया, बजट लाइन का स्लोप क्या हो गया, सॉरी इस चीज़ को स्लोप कहा जाता है, सो स्लोप क्या हो गया बजट लाइन का, सॉरी यूनिट्स ऑफ बनानास विलिंग टू सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ एप्पल्स जो विलिंग टू गेन है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हमें सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ रहा है गेन करने के लिए, क्यों, क्योंकि हमारी मनी इनकम तो वही है ना, अगर हमें हमारी मनी इनकम वही है और अगर हमें किसी एप्पल हमें ज़्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली बनाना तो हमें सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, बनाना क्या करना पड़ेगा, हमें सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा ताकि हम उसी मनी इनकम के अंदर एप्पल्स खरीद पाएँ। सो दिस इज स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये बजट लाइन का स्लोप कहते हैं इसको, ये मैंने आपको
समझा दिया। ऑल्सो ये नेगेटिव, अगर आप मैथमेटिकली देखें तो माइनस में वैल्यू आनी चाहिए, सेक्रीफाइस हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं क्या हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव माइनस जो है, मतलब ऑब्वियसली कोई चीज़ सेक्रीफाइस हो रही है, मतलब कम हो रही है, तो माइनस में लेंगे मैथमेटिकली देखा जाए तो। लेकिन ये इकोनॉमिक्स में हम इसको एब्सोल्यूट टर्म में, एग्जैक्ट टर्म में देखते हैं, माइनस को हम नहीं काउंट करते। ये जो बजट लाइन का स्लोप है, इसको हम प्राइस रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइस रेशियो भी कहते हैं। नाउ प्राइस रेशियो क्या होता है? प्राइस रेशियो वो होता है कि प्राइस ऑफ द गुड जो हमारे एक्स एक्सिस पर है, डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द गुड जो हमारे वाई एक्सिस पर है। प्राइस रेशियो हम क्या होता है एग्जैक्टली? इज द प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, यानी प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, इसी चीज़ को प्राइस रेशियो कहते हैं। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो प्राइस रेशियो से रिप्रेजेंट करता है? मैंने आपको बताया, कोई भी पॉइंट जो होता है बजट लाइन पे, वो इंडिकेट करता है ऐसा बंडल जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपनी एंटायर इनकम को स्पेंड करके। अगर कंज्यूमर को एक और यूनिट ऑफ एक्स लेनी है, तो वाई कितना उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मैंने अभी आपको जस्ट अभी यही समझाया था। तो ये जो हमने टेबल देखी थी यहाँ पर, टेबल इन द सेंस स्केड्यूल जो मैंने आपको दिखाया था, इसमें एप्पल का प्राइस जो 4 रुपये है और 4 रुपये है, और बनाना का प्राइस जो 2 रुपये है, आपने ये देखा। तो इसका मतलब क्या है? हमें एक और एप्पल खरीदने के लिए यहाँ पर रिड्यूस करना पड़ा था अपने बनानास की कंजम्पशंस को रिड्यूस करना पड़ा था। एक और सिमिलरली यहाँ पे हमने कहा था कि अगर हमें बनानास और लेने हैं तो हमें एप्पल्स की कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ा। तो ये ही जो रिडक्शन होता है, इसी चीज़ को क्या कहते हैं? प्राइस रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइस रेशियो कहते हैं, क्योंकि हमें 2 बनाना सेक्रीफाइस करने पड़े 4 और एप्पल के लिए। ऑब्वियसली हमें 4 बनाना सेक्रीफाइस करने पड़े 3 और एप्पल के लिए, इस तरह से देखा जाता है। अगर हम इसको, इसीलिए प्राइस रेशियो को हम स्लोप ऑफ बजट लाइन भी कहते हैं। अब देखें कि शिफ्ट क्या होता है बजट लाइन के अंदर, शिफ्ट कैसे होती है बजट लाइन। तो शिफ्ट्स इन बजट लाइन अगर देखें तो 2 तरह से हो सकती है, या तो इनकम में चेंजेस आ जाए, इनकम चेंजेस, या फिर प्राइसेस ऑफ गुड्स चेंजेस। सॉरी गाइस, या तो इनकम में चेंजेस आ जाए या प्राइसेस ऑफ गुड्स में चेंजेस आ जाए। यहाँ पे मान लो इनकम में चेंज आ गए, इनकम के अंदर चेंज आने का मतलब है बजट लाइन शिफ्ट होगी। बजट लाइन शिफ्ट होगी का क्या मतलब है? आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी शिफ्ट का मतलब बताया था, पूरी की पूरी बजट लाइन ऐसे शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर। लेट्स सी वो कैसे हो जाएगी। मान लो कि ये हमारी बजट लाइन है। क्या है? ये हमारी बजट लाइन है, ये बी है, ये ए है, यहाँ पे एप्पल्स थे, यहाँ पे बनानास थे, अगर हमने चेंज किया, इनकम में चेंजेस आ रहे हैं, ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ना एप्पल के प्राइस में चेंज आए ना बनानास के प्राइस में चेंज आए, सिर्फ कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है, तो क्या होगा? कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो यहाँ से जो शिफ्ट हो जाएगी हमारी बजट लाइन टुवर्ड्स द राइट, जब भी बढ़ती है तो राइट की तरफ होती है शिफ्ट, तो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी बजट लाइन राइट की तरफ। शिफ्ट होने का मतलब इस तरह से, और वो भी पैरेलल शिफ्ट होगी, ऐसा नहीं होगा कि पैरेलल शिफ्ट नहीं हो रही है। अब पैरेलल शिफ्ट क्यों होती है?
पैरेलल शिफ्ट इसीलिए होती है, पैरेलल शिफ्ट का मतलब कि बिल्कुल इसके पैरेलली ही शिफ्ट हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ द बजट लाइन कर्व क्या था, स्लोप ऑफ द बजट लाइन था यहाँ पे कितनी हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी एक और यूनिट के लिए। अब हमें पता है कि प्राइसेस तो चेंज हो ही नहीं रहे, प्राइसेस तो चेंज हो ही नहीं रहे। अगर प्राइस नहीं चेंज हो रहे यानी प्राइस रेशियो चेंज नहीं हो रही, तो मतलब स्लोप ऑफ द बजट लाइन भी चेंज नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अगर प्राइस रेशियो चेंज नहीं हो रहे तो स्लोप भी चेंज नहीं होगी बजट लाइन की, क्योंकि वही तो स्लोप होती है। प्राइस रेशियो से ही हमें स्लोप पता लग गया, प्राइस चेंज नहीं हो रहे तो प्राइस रेशियो चेंज नहीं हो रही, प्राइस रेशियो चेंज नहीं हो रही तो स्लोप ऑफ द बजट लाइन नहीं चेंज हो रही, स्लोप ऑफ द बजट लाइन नहीं चेंज होगा तो ये पैरेलल शिफ्ट होगा। अगर इनकम इंक्रीज हुई, इंक्रीज के केस में क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट। यहीं पे अगर इंक्रीज की जगह इनकम डिक्रीज हो गई, क्या इनकम इनकम इंक्रीज हो गई तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, और इनकम अगर डिक्रीज हो जाएगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी हमारी क्या प्राइस लाइन, हमारी क्या बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो डिक्रीज के केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये आपने दो सिनारियों देख लिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। पैरेलल क्यों होता है? क्योंकि स्लोप चेंज नहीं हो रहा। स्लोप क्यों नहीं चेंज हो रहा? प्राइस रेशियो चेंज नहीं हो रही, स्लोप और प्राइस रेशियो सेम होता है। और प्राइस रेशियो कैसे नहीं चेंज हो रही? क्योंकि हमने एज्यूम करके चला है सिर्फ इनकम में चेंज आया है, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया। सॉरी गाइस। नाउ अगर हम एक और सिनारियो लेके चले कि मान लो प्राइसेस में चेंज आ रहे हैं और इनकम में नहीं आ रहा, प्राइसेस में चेंज आ रहे हैं और इनकम में नहीं आ रहा, तो क्या सिनारियो होगा? तो सिनारियो ये होगा कि या तो एक गुड एप्पल, या तो एप्पल्स के प्राइसेस में चेंज आ जाए या फिर बनानास के प्राइसेस में चेंज आ जाए। तो यहाँ पे दो सिनेरियो होंगे, या तो एप्पल के प्राइसेस में चेंज आ जाए या फिर बनाना के प्राइसेस में चेंज आ जाए। अगर हम इसी सिनेरियो को यहाँ पे दो अलग अलग कर्व में देखें, मान लो कि एप्पल के प्राइसेस में चेंज आ रहा है, क्या आ रहा है? एप्पल के प्राइसेस में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे हमने एप्पल्स रखे थे, यहाँ पे हमने बनानास रखे थे, ये हमारी बजट लाइन थी। फोर से मैंने इसको थोड़ा स्टीप बना दिया है, फ्लैट नहीं बनाया। स्टीप का मतलब होता है जो ऐसे थोड़ा फ्लैट, मतलब जैस इस चीज़ को फ्लैट कहते हैं, यानी सीधा। ये फ्लैट चीज़ होती है, ये स्टीप चीज़ होती है थोड़ी सी। तो मैंने स्टीप कर्व बना दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो मान लो कि ये हमारा कर्व है और हमारा एप्पल की प्राइसेस में चेंज आ रहा है। एप्पल की प्राइसेस मान लो कि हमारे बढ़ गए। अगर हमारे प्राइसेस बढ़ गए एप्पल के, तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर हमारे एप्पल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम कम एप्पल खरीद पाएंगे। क्या कम खरीद पाएंगे अपनी उसी इनकम में? प्राइसेस बढ़ गए तो कम एप्पल खरीद पाएंगे, यानी हमारी जो ये है क्या है, ये बजट लाइन वो शिफ्ट हो जाएगी किस तरफ? लेफ्ट की तरफ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, क्यों? क्योंकि हमारे एप्पल के प्राइसेस मान लो बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, तो क्या होगा? एप्पल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए यानी वी कैन बाय लेस एप्पल्स खरीद पाएंगे इन सेम इनकम, इन सेम इनकम, सेम इनकम में हम लेस एप्पल्स खरीद पाएंगे। अब लेस एप्पल्स खरीद पा रहे हैं तो हमारी बजट लाइन क्या होगी? वो काइंड ऑफ रोटेट कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी, और वो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगी, यानी लेफ्टवर्ड रोटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड रोटेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहीं पर आपको कहूँ कि हमारे प्राइसेस कम हो गए, अगर एप्पल के प्राइसेस कम हो गए, किसी भी गुड के प्राइसेस कम हो गए, इनकम हमारी उतनी है,
इनकम हमारी उतनी ही है, प्राइसेस कम हो गए तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे ऑब्वियसली। अब ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे तो हमारी इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी, किस तरह से, इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारे एप्पल के प्राइसेस क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। जब प्राइसेस ऑब्वियसली डिक्रीज करेंगे तभी तो हम और ज़्यादा खरीद पाएंगे एप्पल्स। समझे आप इस सिनेरियो को? अगर इसी केस को अगर हम बनानास के केस में कंसिडर करें तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? ये एप्पल्स हैं, ये बनानास हैं, ये हमारी बजट लाइन है, ए बी बजट लाइन है हमारी। एंड नाउ हमारे बनानास के प्राइसेस बढ़ गए। क्या हो गया? बनानास के प्राइस बढ़ गए तो हम क्या ज़्यादा बनाना खरीद पाएंगे? नहीं, अब तो हम कम बनाना खरीद पाएंगे। प्राइसेस बढ़ गए तो हम ऑब्वियसली कम बनाना खरीद पाएंगे, तो अब इस साइड शिफ्ट हो जाएगी। कम बनाना खरीद पाने पे हमारी क्या होगी, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब हम कम खरीद पा रहे हैं बनानास, एप्पल्स तो उतनी खरीद, एप्पल्स के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया, इनकम में कोई चेंज नहीं आया। चेंज आया तो किस में आया? चेंज आया तो वो सिर्फ बनाना के प्राइसेस में आया। सिमिलरली अगर बनानास के प्राइसेस मैं कहूँ आपको कि डिक्रीज हो गए हैं, क्या हो गए हैं, बनानास के प्राइस कम हो गए हैं, तो आप कहोगे मैं तो और बनाना खरीद पाऊँगा उसी सेम इनकम में। आप और ज़्यादा बनानास खरीद पाओगे तो आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है बनानास की, तो अब आपका जो बजट लाइन है इस तरह से मूव हो जाएगी। तो ये ही जो मूवमेंट है, यानी बी से या तो B1, फिर बी से B2, यहाँ से ए से A1, यहाँ पे A2, ये आपने समझ लिया। ये किस चीज़ का? अगर प्राइसेस ऑफ एप्पल्स सॉरी बनानास चेंजेस, और ये कौन सा सिनेरियो था? ये था प्राइसेस ऑफ एप्पल्स चेंजेस। सो आपने ये देख लिया होगा, समझ लिया होगा इस कंसेप्ट को। अगर प्राइसेस एप्पल्स के चेंज होंगे तो क्या होगा, बनानास के होंगे तो क्या होगा? शिफ्ट्स कब कब हो सकता है? सिर्फ दो केसेस में हो सकता है, या तो इनकम चेंज हो रहे हो और प्राइसेस चेंज हो रहे हो। इनकम चेंज हो रही है तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा था, शिफ्ट होगा। अगर प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इनकम में चेंज नहीं आ रहा, और प्राइसेस में भी एक गुड का प्राइस चेंज हो रहा है या दूसरे का प्राइस चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली। सो यहाँ पे हमने समझ लिया क्या शिफ्ट्स होते हैं बजट लाइन में। आज के लेक्चर में हमने बजट लाइन की इक्वेशन देख ली, बजट सेट की इक्वेशन देख ली। आज हमने क्या होती है बजट सेट की इक्वेशन, बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, प्राइस रेशियोज़ क्या होते हैं, एंड हमने बजट सेट और बजट लाइन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, और क्या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है और क्या टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, ये भी हमने समझ लिया। सो आई कंक्लूड माई लेक्चर टुडे यहाँ पर ही ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, किस केस में, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे हम बनाते हैं। इस केस के अंदर इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ लिया था कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे बनाते हैं, इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। अब हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।